खबर है जनपद सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर प्रशासन द्वारा लिखित आश्वासन के बाद अंतिम संस्कार को तैयार हुए परिजन। भारी संख्या में भी लम्बुआ विधायक सीताराम वर्मा, क्षेत्र अधिकारी सतीश चंद्र शुक्ला व उप जिला अधिकारी महेंद्र कुमार श्रीवास्तव के उपस्थिति में परिजनों ने अंतिम संस्कार करने की सहमति दी। तो ही विधायक सीताराम वर्मा ने बताया कि परिजनों की मांग जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश भी की जाएगी तथा अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मौके पर मौजूद भाजपा नेता जयशंकर त्रिपाठी, अरविंद त्रिपाठी, एलके दुबे, अबरार अहमद, दानिश मौर्या सहित सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर लोग उपस्थित रहे। देखिए खास रिपोर्ट, रविशंकर तिवारी की रिपोर्ट। परिजन का कर लिया जी। देखिए जो ये घटना हुई, एक परिवार की पत्नी और बेटी की हत्या जघन्य अपराध है, हृदय विदारक घटना है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हमारा पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन लगा हुआ है, शीघ्र ही अपराधी पकड़े जाएंगे, उन्हें सजा दिलाई जाएगी कानून के अंदर। कुछ शर्तें थी इन लोगों के दाह संस्कार, मैं बता रहा हूँ, सुनिए उसको। और उन्होंने चाहा था कि उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए, उनको असलाह दिया जाए, ये उनको कराया जाएगा, असलाह के अप्लाई करेंगे तो दिलाया जाएगा। दूसरा उन्होंने चाहा है उन्हें कुछ मुआवजा दिलाए, उचित मुआवजा, उसको हम यहाँ से ले जाएंगे, मुख्यमंत्री जी के पास रखेंगे। हमने इनसे ये भी अनुरोध किया है, अगर परिवार का कोई चलना चाहता है तो भी चल सकता है, मेरे साथ पर भी की जाएगी, जो भी सहायता हो सकता है मुख्यमंत्री से कराया जाएगा। लोगों ने डिप्टी सीएम को अपने घर बुलाने के लिए भी चाहा, वो बता दिया गया, चाहते थे, लेकिन डिप्टी सीएम 4 तारीख तक तेलंगाना की यात्रा पर है, 4 तारीख तक लोग बॉडी नहीं रखी जा सकती। सम्मान को समझाया गया कि बॉडी का भी सम्मान होने, सम्मान करिए, लोग तैयार हो।